Morning children, today we will discuss two chapter 25, that is volume. So concept of volume. Plane figure like triangle, square, rectangles and circle do not occupy any space. यानी जो plane figure होते हैं जैसे कि triangle, square, ये सब space को space नहीं लेते हैं because they lie on a plane, क्योंकि ये plane पे lie करते हैं. बट सॉलिड फिगर लाइक दोज गिवन बिलो ऑक्यूपाई स्पेस. अब जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिया है क्यूब, क्यूबाइड, स्पेयर, सिलेंडर, कोन, ये सब स्पेस लेते हैं. ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, वो स्पेस लेते हैं तो ये हो जाएंगे वॉल्यूम. क्यूबाइड एंड क्यूब क्या होते हैं? क्यूबाइड, अ सॉलिड बाउंडेड बाय सिक्स रेक्टेंगुलर फेस इज कॉल्ड क्यूबाइड. यानी क्यूबाइड में सिक्स रेक्टेंगुलर फेस होते हैं जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है. जैसे कि एग्जांपल दिया है बॉक्स, चॉक बॉक्स, ब्रिक्स, टाइल्स, ये सब. क्यूब क्या होते हैं? अ क्यूबाइड व्होज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब. अब क्यूब के सारे हाइट, लेंथ, ब्रेथ सारे इक्वल होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्यूब्स, आइस क्यूब, डाइस आर एग्जाम्पल ऑफ क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम मीन्स ये सारे जिसमें कि हम कुछ चीज़ रख सकें, ये छोटे बड़े उससे बड़े भी हैं. वी नो दैट स्टैंडर्ड यूनिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पैरीमीटर्स एंड एरिया. सिमिलरली फॉर मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम आर स्टैंडर्ड यूनिट्स इज रिक्वायर्ड. हियर वी शैल लर्न द मेथड फाइंडिंग द वॉल्यूम of cuboid and that of cube. A cube of side 1 unit like 1 millimeter, 1 centimeter, 1 meter is used to measure the volume of solid. यानी हम इस सारे length में, इस सारे unit में measure करते हैं इन सबको. Units of volume, देखो cubic centimeter, the volume of cube of side 1 centimeter is called cubic centimeter. ठीक है, so इसे हम इस तरीके से लिखते हैं. Cubic meter, सो वन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर इज कॉल्ड द 1 क्यूबिक मीटर. इसे हम इस तरीके से लिखेंगे. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग ईच साइड ऑफ यूनिट लेंथ दैट कैन बी कंटेन्ड इन अ क्यूबाइड इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड. इफ नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, यहाँ दिख रहा है आपको, अगर एक क्यूब 1 सेंटीमीटर का है, कंटेन करता है, तो यहाँ कितने हैं क्यूबाइड, 60 हैं. देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड विल बी 60 सेंटीमीटर क्यूब. इन फिगर देयर इज द क्यूबाइड हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर. सब दिया हुआ है आपका. ऑन डिवाइडिंग इट इन क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ वी गेट 60 क्यूब्स. सो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3. 60 क्यूब्स कैसे फाइंड हुए, ये देखो, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. थस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड 60 सेंटीमीटर. ऐसे आपको फाइंड करना होगा. यानी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल्स टू में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अ क्यूब इज अ क्यूबाइड इन विच लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अभी मैंने बताया कि क्यूब के लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होते हैं. देन हम यहाँ लिखेंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे. इट मीन्स साइड साइड साइड, यानी हम लिख सकते हैं साइड पे होल क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स. ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला. सो यहाँ पे वर्किंग रूल के हिसाब से सारे एक वर्किंग रूल लगाया है. इसके एक सारे एग्जाम्पल्स आप करिएगा, फॉर्मूले भी दे रखे हैं, सब फॉर्मूले बेस हैं सारे क्वेश्चन. सो इसे आप सॉल्व करिएगा, फिर एक्सरसाइज 25AB लगाइएगा. ओके, और 20BB. ओके.